और ये हमारे जितने भैया खड़े हैं आप लोगों से निवेदन आग्रह है कि भैया सभी लोग बैठ जाइए धर्म पंडाल में। और ये कार्यक्रम जो है माताओं बहनों भाइयों समापन की ओर है, तो आइए चलते चलते माताओं बहनों धम बंधुओं आप लोगों को दो शब्दों में अपना परिचय देना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं यहाँ की समस्त कमेटी का और बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ यहाँ की रसूलपुर की सभी माताओं बहनों का। ग्राम रसूलपुर की माताओं बहनों ने बड़ा हमारा मान सम्मान किया, बहुत मुझे मान सम्मान दिया और यहाँ की समस्त कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी भाइयों ने बहन रागिनी बौद्ध को अपने ग्राम रसूलपुर की पावन धरती पर 3 दिवसीय बुद्ध व भीम ज्ञान चर्चा करने का अवसर मौका दिया। एक बार यहाँ की समस्त कमेटी के लिए और हमारे आदरणीय प्रधान जी विनोद कुमार बौद्ध जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करेंगे। जय मंगल हो। आइए आप लोगों को दो शब्द में अपना परिचय देना चाहूंगी। माताओं बहनों भाइयों आप लोगों से चलते चलते यही कहना चाहूंगी, अगर शिवेटी से अगर इस बहन से इन 3 दिन के कार्यक्रम में या हमसे या हमारे समस्त स्टाफ से कथा कहने में या हमारे स्टाफ से साज बजाने में या झांकी में कोई कलाकारी में त्रुटि बन गई हो तो मुझे माफ करना। भाई अपनी बहन समझ के, बहन अपना बहन अपनी बहन समझ के और पिता अपना बेटा समझ के, माँ अपनी बेटी समझ के उस बिटिया को माफ कर देना। क्योंकि माताओं बहनों भाइयों कहा जाता है ना कि जो ज्यादा अधिक बोलता है अधिकांश गलतियां उसी से हो जाती है। तो इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि बताया गया है छोटे से बड़ा हो सकता है लेकिन बड़े से छोटा नहीं हो सकता। आइए दो शब्दों में परिचय देना चाहूंगी। और हमारा आपका मिलन माताओं बहनों भाइयों इन्हीं 3 दिनों का था, अगर हमारा जीवन रहेगा तो जिंदगी में आपसे मुलाकात दोबारा जरूर होगी, आइए बोलना चाहूंगी। माताओं बहनों भाइयों 3 दिनों का था, अगर इन 3 दिनों में शिरागी बहुत बहन से कुछ गलती बनी हुई तो मुझे माफ करना। कि मिलन 3 दिन का और हमारा तुम्हारा माताओं बहनों हमारी मजबूरी है, हमारा तो रेन बसेरा है आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन कहना चाहूंगी अरे भैया मेरे भूल कहना चाहूंगी बार बार यहाँ की समस्त कमेटी से परम आदरणीय प्रधान जी
विनोद कुमार बोधी से ग्राम हमारा नंगला सिंह पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट जिला हमारा इटावा पड़ता है। अब नाम रागनी बहुत हमारा नंगला सिंह ग्राम हमारो और हमारा चलाए रहो मोनू भैया जो सबसे बड़ा है मोनू बॉज और तीन बहने हैं, एक बहन हमारे साथ में रहती है जो कथा सीखती है जोनू बॉज और हमसे छोटी हमारी बहन घर पर है। हमारे पिताजी का नाम ब्रजेश कुमार बॉज है जो ग्राम नंगला जी के रहने वाले हैं, ग्राम नंगला जी के निवासी हैं। अभी बाबा साहब का अभिनय कर रहे थे, ये ग्राम सुंदरपुर के रहने वाले हैं जिला इटावा के। अरे मेरे भैया प्रदीप ने की झांकी मधुरी दिखाई परी का जुगल की बनी हुई वीरन की यो कर रहे हैं, ये ग्राम टीकमपुर डिस्ट्रिक्ट औरैया के रहने वाले हैं। अरे मेरे भैया मैंने की चिमटा मधुरी बजायो, अरे मेरे भैया मैंने की चिमटा मधुरी बजायो, अरे क्या बंगला के रहने वाले जिला औरैया के हो।
बार बहुत जो इनकी वाइफ है भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भाभी जी ने मुझे इन तीन दिनों में एक बेटी का प्यार दिया, इस बहन को इस बेटी को बड़ा प्यार दिया, एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दे, इसलिए कहना चाहूंगी। अरे मेरे भाई आज मधुरी बजायो, ग्राम झावर को डिस्ट्रिक्ट औरैया के रहने वाले हैं। अरे मेरे भैया रौनक की घड़ा मधुर, अरे मेरे लाला रौनक की घड़ा मधुर बजायो, अरे बेटा को मैं आके पानी बढ़ायो। होटल मालिक का रोल कर रहे थे जो ये ग्राम मलखानपुर के रहने वाले हैं। अरे मेरे भैया की धानी मधुर भाई, अरे मलखानपुर के रहने वाले जिला पान बेटा ग्राम अच्छू का रहने वाला है। अरे मेरे बेटा चांदी मंदिर से भाई, अरे अच्छू का रहने वाला क्या हो रही है। बोला मत देना, अरे को नाम बदल मैंने
और इस धम्म पंडाल में बैठ करके जो धम्म उपासक उपासिकाएं माताएं बहने हमारी देशना को सुन रहे हैं, सभी लोगों का मंगल हो, सभी लोगों का मंगल हो। चली रही